हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 24 गेट फिट इन पावर बाय एमबी फिटनेस। आज हम बैक का वर्कआउट करेंगे। बॉडी वेट एक्सरसाइज है, इसमें आपको हार्डली एक या दो इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी जो मैं इन बिटवीन वीडियो के अंदर बता दूंगा क्या चाहिए। तो सिर्फ स्टार्ट करने से पहले हम पहले वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके 3 सेट्स करने हैं, डिफरेंट। वो एक बार मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। पहले हमने स्टार्ट करना है जंपिंग जैक से, 40 काउंट्स 3 सेट्स। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम बैक की स्टार्ट करेंगे विद द चिन अप्स। तो आज जो वर्कआउट है वो बेसिकली बैक का है, मींस हम ट्राई कर रहे हैं जितने बॉडी वेट एक्सरसाइज हम कर सकें और इसके बिटवीन हम शायद रेजिस्टेंस बैंड या ट्यूब यूज़ करेंगे। तो मेक श्योर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप कुछ और इक्विपमेंट यूज़ कर सकते हैं इसके ऑल्टरनेट में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैक एक्सरसाइज चिन अप्स। ना 3 सेट्स लगाइए आप 10-10 के, नहीं तो आप मैक्सिमम भी लगा सकते हैं। अगर आप 12 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20, इट्स ऑल डिपेंड ऑन आप कितना कर सकते हैं, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, कितनी एनर्जी है। हमारी जो सेकंड बैक की एक्सरसाइज है वो है बैंड ओवर रोइंग। इसके लिए आपको ये क्रॉस ट्रेनिंग का बैंड चाहिए होगा। इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेवल आते हैं। तो ये मीडियम लेवल है, ग्रीन कलर का मीडियम लेवल। मैं इसमें फ्रंट और साइडवर्ड्स दोनों आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको पोजीशन के प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना आ सके और प्रॉपर पता हो पोजीशन कैसी। तो इसके 3 सेट्स करने हैं 15 काउंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसको डबल ऐसे फोल्ड कीजिए, अपने पैरों के नीचे रखिए, अपने हिप लेवल के हिसाब से ग्रिप आप ओपन कर लिए, यहाँ से ग्रिप दीजिए हाथ से और चेस्ट आउट, लोअर बैक इन, नाउ पुल इट साइडवर्ड्स, नाउ स्लो डाउन, कम ऑन अगेन, पुल इट, स्लो डाउन, ब्रीथ आउट। एक्सरसाइज कर लिए बैक की। जो थर्ड एक्सरसाइज है बैक की वो है बेसिकली डेडलिफ्ट। तो मैं आपको बताता हूँ रेजिस्टेंस बैंड से डेडलिफ्ट कैसे करते हैं। सेम इसके भी 3 सेट्स करने हैं, 15 रैप्स। सेम इसको डबल फोल्ड करके अपने पैरों की ग्रिप लीजिए, मेक श्योर आप अपने हिप लेवल के हिसाब से अपने पैर ओपन करें, प्रॉपर ग्रिप, बैक स्ट्रेट, जस्ट आउट, लो आगे, स्ट्रेट अप, ब्रीथ आउट, slow down, use your lower back to lift, good, now again, slow down. सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है वो हम कर रहे हैं सीटेड रोइंग विद क्रॉस ट्रेनिंग ब्रांड। तो इसमें आपको कहीं इसको स्टक करना होगा ताकि क्रॉस हो जाए। तो एक बार आप पोजिशन चेक कर लीजिए, सेम 3 सेट्स करेंगे 15 रेपिटेशंस के। इसको ऐसे ग्रिप लीजिए, आप स्टूल है आपके पास तो स्टूल ले सकते हैं, नहीं तो आप ग्राउंड पर भी बैठ सकते हैं, मैट बिछा के कुछ भी। ये देखिए ईजी, पुल इट, स्क्वीज इट, नाउ स्लोली इसको आगे जाने दीजिए, अगेन स्क्वीज इट, अपने वेंट्स अपने लैट्स को स्क्वीज किए करें और स्लोली उसको आगे तक ज़्यादा
जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है स्ट्रक्स। बेसिकली लोग इसको शोल्डर के साथ भी करते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि बैक के साथ करूँ, क्योंकि जो हमारे ट्रैप्स हैं अपर तो आपको यहाँ से फ्रंट से दिख जाते हैं, लेकिन जो मिडल और लोअर ट्रैपिज्म मसल्स है वो बैक में आता है। और साथ में मेक श्योर आप ड्यूरिंग वर्कआउट अपने आप हाइड्रेट रखें। आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, BCAA पी सकते हैं, या नॉर्मल वाटर उसमें हनी और लेमन स्क्वीज कर लीजिएगा। लास्ट एक्सरसाइज आज की स्ट्रक्स सेम, इसी को क्रॉस ट्रेनिंग बैंड से स्टार्ट करेंगे। वाइड खेल लीजिए ताकि रेजिस्टेंस अच्छी हो सके। नाउ रेज योर शोल्डर्स अप, स्क्वीज इट, स्लो डाउन, अगेन रेज इट अप, ब्रीद आउट, स्लोली डाउन, ब्रीद इन। इसमें आप थोड़ी सी एल्बो भी बेंड्स कर सकते हैं अगर आपको अपने ट्रैप्स की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करना है, वो अच्छी तरह से यूज हो सके। इसको आप फ्रंट से भी कर सकते हैं या साइड से भी ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस बैक वर्कआउट वीडियो। मेक श्योर यू जस्ट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आई होगी और आप अपने रूटीन में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फॉलो करना। स्टे सेफ एंड स्टे होम।